हजरत सुलेमान फारसी। जब कलमा पढ़ा सरवरे दो आलम सुल्तान होने वाली सूरत की बारगाह में आकर, तो हजरत सुलेमान फारसी की उम्र दोबारा 225 साल थी। हाँ जी बुजुर्गो, सट्ठा बैठा 17-80 का फौज के जनाब अली 225 साल में आए, और फिर हजरत उमर फारूक के दौर में फतुहात में जंगे भी लड़ी हजरत सलमान फारसी ने। ये 225 साल की उम्र में पहली बार आए और कलमा पढ़ा, पीछे क्या करते रहे? सारी जिंदगी तलाश हक में गुजारी, के हक मिल जाए। ढूंढते 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 एक बार एक चंगा बंदा मिला, उसने कहा कि तू सारी जिंदगी तुझे लगा दी है, मैं तुम्हें निशानियां बताता हूँ तेरी जिंदगी जाया ना हो। वो जो नबी आखिर जमान के आने का यही जमाना है, लेकिन उसकी तीन निशानियां होंगी। कोई कूड़ा न बेच आ जाए ना, कोई झूठे किसी को नबी मानकर उसके पीछे ला जाना। वो जो आखिरी रसूल है उसकी तीन निशानियां हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा बता क्या निशानियां हैं? उसने कहा पहली निशानी यह है कि वो सदका नहीं खाते, दूसरी निशानी ये है कि तोहफा दो तो कबूल कर लेते हैं, तीसरी निशानी ये है कि दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत है उनकी। जहां तीन निशानियां ये नजर आए कलमा उसका पढ़ना। हजरत सलमान फारसी घर से निकले थे, सारी जिंदगी यूं ही गुजर गई, मजदूरियां करते कमाते, और फिर किसी दर्द के चढ़ गए, उसने गुलाम बनाया, बेच दिया, फिर बिकते बिकाते एक काफिर है उसके गुलाम है, खजूरे तोड़ रहे हैं, नीचे मालिक के साथ किसी ने बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा है जिस नबूवत का दावा किया। हजरत सुलेमान मारी छाल से तसल्ली ना करके होया कि वो मोहम्मद नाम का बंदा कहाँ पर ला जगह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा अच्छा मालिक मैं भी जो खजूरा चाह गए ना हो सके चाह गए। हजरत सुलेमान फारसी ने खजूरे उठाई, सीधा आका की बारगाह में आकर रखी सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ दूसरी बात पढ़ गए, आपने फरमाया कि क्या है ये? हजरत सुलेमान फारसी बोले जनाब ये सदका है, इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तकसीम कर दो, हम सदका नहीं खाते। 225 साल, हम कहते हैं 10 साल में मस्जिदी जा के बड़ी मेहनत की थी, मैंने ये जनाब वाला जमीन पे इतना काम किया, 225 साल तलाश हाथ में गुजरे हो, पहली जगह है जहां पर पहली निशानी जो साबित हुई। बाबा और ये जरा थोड़े जा अलर्ट होए, जरा निजाम जिसम का ना तारा न रहे, यकदम न गर्मी न पी, फौरन वो तकसीम किया, वापस गए, फिर खजूरे उठाकर लाए, आके रखा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा सुलेमान ये क्या है? जनाब ये तोहफा है। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर उठाई और खाने लगे। जब खाने लगे हजरत सलमान फारसी अब अंदर 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 सोच रहे हैं कि दो निशानियां पूरियां हो गई और निशानियां भी नबूवत वाली हैं। अब नबी हैं तो इनको मैं कैसे कहूँ कि मैंने जरा कपड़ा उठाए, मैंने कंधों के दरमियान बोले? अभी ये सोच ही रहे हैं सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलमान दो काफी नू या त्री निशानी भी दिखावा। उस काफिर
उसे पता था मुसलमानों के गुर्बत की इंतहा, एक एक चादर में ये अपना पूरा जिस्म ढांप रहे, दूसरा कपड़ा कोई नहीं है, छे छे से आप ही दो दो खजूरों पर गुजारा कर रहे हैं, खा कर रहे हैं, चूस कर रहे हैं, चूस कर रहे हैं, ये वो जमाना इस्लाम का। इतनी धूप है, उसने कहा क्यों ना इनकार करने के बजाय ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिनमें इनकी जरा हद तक भी की जाए। इनके वो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी थोड़ा सा डैमेज किया जाए। उसने कहा कीमत ही ऐसी रखी जो ये दे ना पाए, सलमान भी बच जाएगा, सलमान भी बच जाएगा और जरा थोड़ी सी तोहफे भी हो जाएगी, मेरा भी लूरा भी। उसने कहा जनाब इसकी कीमत है 40 औकिया सोना। कितनी? 40। इमाम जलालुद्दीन सूफी रहमतुल्लाह अलैह खसाइस कुबरा में जहां हजरत सलमान फारसी के इस्लाम कबूल करने के बाद क्या लिखा है, पहले एक रावी बयान करता है, फिर दूसरा बयान करता है, फिर तीसरा। ये जो तीसरा बयान करता है ना, मैं ये वो पढ़ रहा हूँ आगे समझो, ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये वो तीसरा। 40 औकिया सोना। अब उसके अपनी तरफ से बहुत बड़ा मन लगाया था कि ये नहीं दे पाएंगे, सर्वे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी में आया बस क्या पता मालिक एक मैन है, दो पास रखते कुछ नहीं है, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ समय। अब जब हमने मारा बस, काफिर को धड़का लगा के मतलब ये तो दे देंगे और दे देंगे, मतलब सलमान सलमान कह रहा है तो नहीं रहा, सलमान कह रहा है संजय नहीं 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 पूरी बात सुने, 40 औकिया सोना लग है, इसके साथ एक काम भी सलमान को करना पड़ेगा। फरमाया क्या? उसने कहा सलमान को 300 पौधे लगाने पड़ेंगे खजूर के, वो पौधे होंगे छोटे छोटे, फिर वो पौधे बड़े होते 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 पौधे जवान हो जाएंगे, फिर उन पर खजूरें लगना शुरू हो जाएंगी, फिर कुछ साल लगती रहती है लेकिन पकती नहीं है, बीज नहीं होती, फिर जब कभी जाकर वो मीठी लगने लगेगी ना, तब सलमान आजाद होगा। अब उसके माइंड में क्या, कुछ लाखों का भी फर्क पड़ता है खजूर के जवान होने में, क्या फल देने में, लेकिन मेरे मेरा पर्सनली जो हमारे इलाकों में है, कटक में या कश्मीर में या पिंडी या परवार में, यहाँ मैंने कम से कम 20-30 साल 40 साल किसी खजूर के पौधे को फल देते हुए गर्म इलाकों में शायद 15-20 साल में जवान हो जाता है, लेकिन 15-20 साल बड़ा जमाना होता है। अब वो ये चाहता था कि सरे दास किसी तरीके से ये काम डाल जाए, सरे दो अलग सरे दावे वाली सरे साधना कितने बूटे हैं, उसने कहा 300। आप ब्रह्मा को पौधे मंगवा लेकर सारे सहाबा ने मिलकर खड्डे तैयार किए, पौधे 300 आ गए, सरे दो अलग सरे दावे वाली सरे साधना के लगाने तुमने नहीं है, तुमने मुझे पकड़ाने हैं, मैंने पकड़ के पौधा रखना है। फिर मिट्टी को डालते आना, वो पौधे पकड़ा चलते जाते हैं, सरवर दो आलम रखते जाते रखते जाते 299 पौधे सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाए। एक पौधा ऐसे ही लेकिन उसे क्या पता था सूरज और चांद का नूर, वापस जाना पड़ना बाथरूम वाला को, सूरज और चांद का नूर अगर पौधे को तसलसल से मिले तो एक 40-50 साल वाला पौधा एक साल बाद तैयार हो जाता है। और यहां तो वो है जिनसे नूर सूरज और चांद ने लिया है, थोड़ी
साल गुजरा, पौधे जवान हो गए, एक साल में छोटे छोटे लगाए थे, खजूरें लग गई, पक गई, सफर द्वारा सरकार और वाली सरकार ने पैगाम भेजा कि सुलेमान को लेकर आ जा, आज बाग तेरे हवाले और सुलेमान तो भीग गया, चकरा गया, एक साल में सुना ही नहीं, एक साल में, लेकिन आया और सुलेमान को साथ लेकर पौधे देखता है तो खड़े हैं, खजूरें लगी हुई हैं, उसने कहा यार ये सुलेमान हथों गया, कोई यो जा तरीका करिए कि सौदा बनिए, उन्हें सारिया सारिया कच्चियां खजूरें ला के खाए लो, पपीकी निकले तो मैं आकर चेक करके लगी हले मिठियां नहीं दिए लगे, लेकिन साबियां तो साबियां भी लाइया से बचता हूं, वरना अगर आप दुनिया की मिठास पे सच करें कि ये तो पूरी दुनिया में किसी फ्रूट में है या मिठाई में है, मिठाई में तो किससे बनती है, चीनी से, चीनी किससे बनती है, पूरी दुनिया में जो मिठास है इसका मस्तर चांद की रोशनी है, चांद ना हो मिठास नहीं होगी, पूरी दुनिया की मिठास का दारोमदार चांद है, और ये आम कौन है, लेकिन पौधा छोटा है, उसने जैसे ही देखा भी खड्डा भी लगे है, इन्हें बराबर का बूटा भी लगे है, लेकिन खड्डा नहीं लगा, एक बूटा जरा तुम्हारे फारूक लाया नहीं बढ़ता है, और हो जाता ये भी, ये भी बड़ा हो जाता, खजूरें इसमें भी लग जाती, कब, अगर हजरत उमर मिसले मुस्तफा होते फिर इसने भी बड़ा हो जाना था, अगर हजरत उमर उनकी मिसल होते, और सुनो अगर हजरत उमर उनकी मिसल नहीं ना तो फिर कायनात अपनी गल तो गिरते नहीं करता, उसने कितने बूटे की गल नहीं है, त्रै सौ 299 बूटा तैयार है, लिहाजा सौदा फटा, 300 नहीं, क्यों जी 300 300 पैसा कमा, सका ना 300 पौधों की बात हुई है, आपने फरमाया कि जो है मेरे और सलमान मेरे हवाले का, वो सका सलमान में दूंगा नहीं, आकर फरमा आज ऐसे मैं जाऊंगा नहीं, आज किथे जाना है, आज सलमान को लेने आया, आज मैं लेके जाऊं, वो सका जनाब फिर टूटा, ये जब तक जवान नहीं होगा सलमान आजाद नहीं हो सकता, आप लफ्ज सुनना, इमाम जलालुद्दीन सियूती ने जो यहां पे नकल फरमाया, आपने फरमाया सरवर द्वार में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बूटा भाई पुट्टो, पूरा बूटा कुटिया गया, सरवर द्वार में आपने हाथ से बूटा लाया, पहले ला के चले गए सन, वो बाप साल ही तैयार होया, ए ला के सामने खलो गए, बूटा सरकार के सामने खलो गया, किटका होनी ही कोई नहीं, शायद जमनी कोई नहीं, तो पूरा साबित करांगे किटका नहीं,
तभी रब पूरा नहीं साबित होने का बगैर किट-किट को भी खचकरा जमीन। लेकिन यहाँ पर इमाम जलालुद्दीन सियूती जो अल्फाज नकल किए वो ये है कि सरकार पौधा लगा के हम सामने खड़े हो गए, इस पौधे ने बाकी पौधों के साथ फल दिया। क्या मतलब? वो तो तैयार है, उनके साथ फल देने का मतलब यह है कि उसी वक्त खड़ा हुआ। लेकिन उन्होंने कहा था मैं आपको हिम्मत बताऊंगा कि ऐसे हुआ क्यों, अगर तुम्हारे फारूक ने वो बूटा लगाया क्यों, ये बात समझे। बस मेरा मौजूद जो है ना ये इसमें जो वैसे तो बहुत सारे हैं ना, टाइम के मुताबिक मैं यहाँ पे से वाइंड अप कर रहा हूँ, फिर इस पर आपके माहौल और मर्जी और मिजाज में मैं आ जाऊँगा। तो ये रब की हिम्मत थी अगर तुम्हारे फारूक से एक पौधा लगवाना, क्यों कि बाग अगर साल बाद तैयार होता तो रब को पता था कि एक वक्त आएगा जब बॉटनी साइंस वाले ये साबित करेंगे कि सूरज और चांद का नूर अगर पौधे को तसल्लुस मिले वो एक साल बाद पौधा तैयार हो सकता है। तो एक साल अगर सूरज और चांद के नूर से तैयार हुआ और एक साल में सरगर्द आलम सरदा होने वाली सूरज के नूर से तैयार हुआ तो इंडिविजुअलिटी क्या होगी, इंफरादियत क्या होगा, समथिंग डिफरेंट क्या होगा। इतने में तो सूरज और चांद का नूर भी कर सकता है जितने में उनके नूर ने किया है। रब ने फरमाया नहीं, हजरत उमर के दिल में बात डालेंगे एक बूटा तो आ रहा ताकि पता लगे कि सूरज चांद नूर तेल ला के मिसाल लगाएगा। लेकिन ये सूरज और चांद का नूर नहीं है, ये आमना के लाल का नूर है जिस नूर से चांद और सूरज ने नूर हासिल किया।